बता दें कि वनडे में दिखा बेहतरीन प्रदर्शन, सीएम मनोहर लाल ने टीम इंडिया को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा इस शानदार जीत के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं। बता दें कि वनडे में दिखा भारत का बेहतरीन प्रदर्शन, सीएम मनोहर लाल ने टीम इंडिया को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा इस शानदार जीत के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप डी के एग्जाम का आयोजन 21 और 22 अक्टूबर को दो शिफ्ट में किया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को दो शिफ्ट में 8,54,661 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी, जिसमें 34 अभ्यर्थियों को आयोग संदिग्ध मानकर जांच कर रहा है। बता दें कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 798 केंद्र बनाए गए थे। वहीं आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को उनके पास के जिले में परीक्षा देने के कई प्रबंध किए गए थे। वहीं एचएसएससी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को पूरी तरह से मॉनिटर किया, तो साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिनभर परीक्षा की जानकारी लेते रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जनता तय करती है कि कौन सीएम बनेगा, बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हुड्डा जब 10 साल तक सीएम रहे तब तक उन्होंने ब्राह्मणों को याद नहीं आई और कांग्रेस अभी तक अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई। वहां उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। नव दुर्गा का आज अष्टमी रूप है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अभी मेरे साथ गाड़ी में कई लोग थे, उनको केएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन का दरवाजा दिखा रहा था और उसके सामने हलवासिया वाटी का दिखा रहा था कि यहां से बीएड किया 73 में और 240 रुपए महीने में चौकीदारा हलवासिया वाटिका में किया। ये हिंदुस्तान है, इसकी परंपरा, इसका इतिहास, इसका संस्कार दुनिया में सबसे प्राचीनतम इतिहास हमारा है। अंबाला में सीईटी का पेपर कड़ी निगरानी के बीच करवाने वाले अंबाला प्रशासन के दावे उस वक्त पानी में बहते दिखाई दिए जब आशीष नामक व्यक्ति सुनील की जगह पर पेपर देकर बाहर आया। हायर अथॉरिटी की तरफ से सूचना मिलने पर प्रशासन होश में आया और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पीडब्ल्यूडी में क्लर्क है। अपने दोस्त के कहने पर उसका पेपर देने के लिए शहर के एमसीसी स्कूल पहुंचा था। बायोमेट्रिक मैच न होने की वजह से इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुनील अभी भी फरार है। ज्यादा जानकारी देते हुए पंजोखरा थाना एसएचओ विक्रांत ने बताया कि सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा एग्जाम के दौरान उन्हें हेडक्वार्टर से फोन आया और उन्होंने ये कंप्लेंट दिखाई कि आशीष नामक व्यक्ति सुनील कुमार की जगह एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र में गया है।
एग्जाम था और हमारे यहाँ पे सेंटर बना था एनसीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जो फर्स्ट मॉर्निंग का एग्जाम था उसके अंदर हमारे पास सेंटर से कॉल आया है, जो सेंटर सीनियर सुपरवाइजर थे अपने संजय कुमार जी, उन्होंने एक कंप्लेंट दी जिसके अंदर आशीष सन ऑफ अनूप, ये नरवाना के रहने वाले हैं, ये लड़का जो वहाँ सेंटर में सुप्रिंटेंडेंट द्वारा पकड़ा गया था, ये सुनील कुमार के स्थान पर पेपर दे रहा था। फरीदाबाद सीईटी की परीक्षा यानी ग्रुप डी की परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों से फरीदाबाद में ग्रुप डी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले से पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तक कि बसों में भी उन्हें बगैर किराए के सफर करने को मिला।